टेंथ ऊपर में टेंथ का बाद पढ़ाई छोड़ दिया, टेंथ तक कुछ कुछ भी होगा, सही है। जो टेंथ तक पढ़ाई किया वो अगर कहीं पे जाएगा, एक फैक्ट्री में जाएगा, जाकर बोलेगा मैं कितना पास है, मैं टेंथ पास हूं, मुझे नौकरी चाहिए, बोलेगा ठीक है एक दरवान का नौकरी है कर लेना। क्या नौकरी मिलेगा? दरवान का। टेंथ पास किया है ना, दरवान का नौकरी, कितना तनखा देगा? 5,000 दे देंगे, सही ना। अब कोई बोलेगा मैं 12th तक पढ़ाई किया, कितना था? 12th इंटर किया, सही ना, 12th तक पढ़ाई किया, बोलेगा ठीक है तेरे को पियोन बना देता हूँ, चपरासी बना देता हूँ, क्योंकि चपरासी को थोड़ा बहुत फाइल पढ़ना आना चाहिए ना, कौन सा फाइल कहाँ पे ले जाना है, कौन कहाँ पे हो सकता है, उसको बैंक का कुछ काम दे दे जाओ, उसको फॉर्म फिलअप करा के आओ, इधर थोड़ा उसको लेके आओ, सही ना, चपरासी का काम दे देगा, सही ना। 12th तक पढ़ाई किया, कितना मिल गया? 6,000 दे दिया, है कि नहीं। हाँ, कोई बोलेगा कि ठीक है हम ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन किया है ठीक है भाई, तुमको खाता कलम लिखना आ जाएगा, चलो क्लार्क बना देते हैं, किसका काम देगा? क्लार्क। कितना तनखा दे देगा? मैक्सिमम 10,000, सही ना, क्लार्क बना दिया, 12th ग्रेजुएशन किया है। कोई बोलेंगे मैं मैनेजमेंट किया हूं, क्या किया हूं? मैनेजमेंट किया हूं, चलो तुमको जो है फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया, 15,000 तनखा दे दिया, है कि नहीं है। कोई बोलेंगे मैं आईटीआई किया हूं, बोलेगा ठीक है तेरे को ऑपरेटर बना दिया, चलो 12,000 तनखा दे दिया, ओके होगा कि नहीं। तो कोई भी फैक्ट्री में ये डिफरेंट कैटेगरी में आदमी ज्वाइन करता है ना। अब ज्वाइन करने का बाद वो काम करना चालू किया, एक दरवान बहुत अच्छा काम करता है उसको मैनेजर बनाएगा? नहीं। एक बंदा जो 10th तक पढ़ाई किया, उसका काम का वो क्या कर सकता है, वो कितना कमाएगा, उसका क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करके उसको ठीक किया जाता है, ये समझो। और उसको लाइफ में और चांस नहीं दिया जाता उससे तुम आगे बढ़ पाओ। हम लोग कई मकान में जाते हैं, देखते हैं बुरा बुरा दरवान देखने को मिलता है। दरवान कैसे होता है? क्योंकि शुरू से ही बुरा था। अरे भाई जब ज्वाइन किया था जवान था, दरवान में ज्वाइन किया था 30 साल बाद दरवान ही रहा, तो बुरा हो गया, समझ में आया। बुरा दरवान क्यों मिलता है? जो पुराना पुराना कंपनी में देखोगे बुरा दरवान ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो दरवान में ज्वाइन किया, मरेगा किस पे? क्योंकि कोई डेवलपमेंट की जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है। हम लोग का यहाँ पर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आदमी को डेवलपमेंट देते हैं। जो क्लार्क है वो देखोगे क्लार्क का ही काम करते हुए जिंदगी खत्म कर दिया, वही कॉपी नहीं हिस्सा, सही ना। हाँ, साल भर में 200-500 रुपया तनखा थोड़ा बढ़ा देता है, हाँ चलो करते रहो। ये जो क्लियर है ना, हाँ, एक मैनेजर जो है वो पूरा फैक्ट्री संभाल रहा है कि नहीं है। स्मार्ट वैल्यू का फैक्ट्री में, हाँ, हम लोग का एक ही काम है भाई, लेबर का। क्या काम है? लेबर का। ये फैक्ट्री आप लोग जिंदगी में कहीं भी आप अपना रेस चालू करोगे ना, तो आपका आप क्या करोगे ये डिपेंड करेगा आपका बीता हुआ जिंदगी में आप कितना तक पढ़ाई कर चुके हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इसके ऊपर। स्मार्ट वैल्यू में जब आओगे सबसे पहला जो चीज है वो है आपका पुराना हिस्ट्री, कुछ भी हो आप लोगों को सबको एक जगह खड़ा कर देगा। जब रेस लगता है ना, हाँ, जिंदगी का रेस, पढ़ाई का रेस तो चला था, पढ़ाई का रेस में सब हम लोग एक जगह से खाली चालू किए थे, सब लोग क्लास 1 से चालू किए थे। कोई ऐसा है जो नहीं क्लास 4 से पहले से एक बार पे चालू कर दिए? नहीं, वहां पर आपको आगे लगने का मौका नहीं मिला, किसी ने तो थोड़ा पीछे से चालू किया, मतलब नर्सरी से चालू किया, हाँ, मगर सबको एक टाइम में क्लास 1 से एक ही साथ दौड़ना चालू हुआ, यह सब लोग। मगर यहां पर जो जिंदगी का रेस है इसमें कोई आगे से चालू हुआ, कोई मैनेजर से क्लियर चालू कर रहा है, कोई पियोन से चालू कर रहा है, कोई दरवान से चालू कर रहा है, बात समझ में आ रहा है? आप नॉर्मल लाइफ में कोई भी प्रोफेशन में जाओ तो ये जो गैप ये रेडी रहेगा। अगर आप इसको छोड़ दो, अब सब नौकरी क्यों सोच रहा हूं, मैं दूसरा प्रोफेशन में आता हूं, सोचो आप बिजनेस करना चाहोगे, अब क्या करना चाहोगे? बिजनेस। तो उसमें भी आपका रेस अलग अलग है, जिसका 10,000 कॉपी लेके पैसा लेके बिजनेस चालू कर रहा है, वो जहां से चालू कर रहा, जो 10 लाख लेके चालू कर रहा है, थोड़ा आगे चालू कर रहा है ना। yes.
कोई 10 करोड़ लेके चालू कर रहा हूँ, थोड़ा आगे चालू कर रहा है। अंबानी का बेटा इतना मोटा था, मतलब देखे अंबानी का बेटा इतना मोटा था, सही ना, मगर उसको भी कई हजार करोड़ कंपनी का मालिक डायरेक्ट बैठा दिया। कौन सा क्वालिफिकेशन के हिसाब से भाई? कोई क्वालिटी का हिसाब से हुआ? नहीं, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन में भी जिसका जितना पैसा है उतना हिसाब से उसका रेस आगे बनेगा। जो अमीर है वो थोड़ा आगे रहेगा, तो गरीब है वो थोड़ा पीछे रहेगा, होता कि नहीं होता? अब वो छोड़ दो, खेत मजदूरी सोच लो, सबसे नॉर्मल प्रोफेशन, सबसे सिंपल प्रोफेशन क्या है? खेती में भी आप देखोगे किसी का जमीन छोटा है, किसी का बड़ा है, है कि नहीं है? जिसका बड़ा है उसका मतलब वो थोड़ा आगे से शुरू किया, जिसका छोटा है थोड़ा पीछे शुरू किया। लाइफ आपको चांस नहीं देगा एक जगह से दौड़ने का, ये समझना। आपके अंदर में क्या टैलेंट है वो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको जज किया जाएगा आपका जिंदगी में आप कितना कुछ कैसे थे, बैकग्राउंड के हिसाब से आपको खड़ा करेगा, आगे रहोगे कि पीछे रहोगे। स्मार्ट वैल्यू एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ज्वाइन करते हो तो ना तो आपका बैकग्राउंड देखता, ना तो आपका क्वालिफिकेशन देखता, ना तो आपका पैसा देखता है, सबको बोलता है जीरो से ज्वाइन करो, दो आदमी को ज्वाइन करा के काम शुरू करो जीरो से स्टार्ट करो। अगर कोई 10 पास आए उसको कहां से शुरू करना पड़ा? मैं इंजीनियरिंग किया, मेरे को भी वहीं से शुरू करना। मतलब लाइफ आपको फिर से एक बार चांस दे रहा है कि एक ही जगह से शुरू करना है सभी के लिए, एक ही जीरो, मैट्रिक जीरो, 12th जीरो, ग्रेजुएशन, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सब जीरो से शुरू करो। सब जो क्या करे अभी स्मार्ट रोल में सब एक जगह, यहां से शुरू करो लाइफ में। वहां पर तुमको मौका नहीं दे रहा था बाकी इंजीनियर से लड़ने का, यहां पर मौका दे रहा है ना। yes. ये लाइफ में सबसे बड़ा चीज है कि फिर से तुमको मौका दे रहा है कि हो सकता है। कभी कभी हम लोग अफसोस करते हैं, अरे बचपन में थोड़ा अच्छा पढ़ाई कर लेता ना, थोड़ा रिजल्ट अच्छा हो जाता होता, तुम बोलते ना तब मम्मी बोला था तब क्यों नहीं पढ़ाई किया, तब थोड़ा फाकी मारा था, यहां पर वो फाकी मारा, इसको उठा दो जा तो पानी दे क्या। तो ये जो चीज है ये जगह शुरू हो रहा है। स्मार्ट वैल्यू का फैक्ट्री का काम क्या है? मशीन है, हमारा काम लेबर का है। यहाँ पर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है क्या हमारा लिस्ट? रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। जिसका जितना रॉ मटेरियल है मतलब जितना बड़ा लिस्ट बनाएंगे उतना ज्यादा टाइम काम कर पाएंगे। yes. और मशीन है एसटीपी, मशीन क्या है? एसटीपी। हमारा काम क्या है? जो भी बंदा ज्वाइन किया, आपका टैलेंट हो ना हो, इस फैक्ट्री में आपको लेबर का काम करना है, मतलब रॉ मटेरियल लेके मशीन में डालना है, लिस्ट को लेके पैसो कराना है। yes. लिस्ट को लेके तो लेबर का काम करना पड़ेगा, उसके लिए शर्म करके कोई फायदा नहीं है, नहीं है। आप क्या लेवल में था, क्या थे, अभी बोल रहा था ना, फियर आता है मुझे क्या लगेगा, लोग क्या बोलेगा, सोच के फायदा है? वही काम हर आप लोग कर रहा है, लोगों को इनवाइट करना है, क्या करना है? इनवाइट करना है। ये लेबर का काम जिंदगी भर चलेगा, ये काम जिंदगी भर चलेगा, क्योंकि ये काम आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका 2 साल हो गया तो आप और इनवाइट कभी नहीं करोगे, होगा क्या? नहीं। आज 18 साल बाद भी आज भी हम लोग इनवाइट करते हैं, किसी को भी मिलता है, जान पहचान तो अभी बचा हुआ नहीं है, अनजान आदमी को ही करना पड़ता है, तो जिसको भी मिलता है क्या करते हैं? इनवाइट करना पड़ता है, सही ना। तो लेबर का काम तो जिंदगी भर चलेगा, मगर अंतर कहाँ है? अंतर यही है, दूसरे कंपनी में जो लेबर था वो जिंदगी भर सिर्फ लेबर का ही काम देता, उसको मशीन चलाने का काम नहीं आता, नहीं देता, उसको आने से भी नहीं देता, क्योंकि बोलता तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं है। yes. तुम उसको मैनेजर नहीं बनाता क्योंकि तुमको क्वालिफिकेशन नहीं है, सही ना। yes. यहाँ पर क्या है, आप लेबर का काम करते रहो, करते करते धीरे धीरे आपको मशीन चलाना सीखना पड़ेगा, मतलब एसटीपी करना सीखना पड़ेगा। और अगर आप एसटीपी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आप स्पीड नहीं ला पाओगे। यहाँ पर कितना लोग है जो लोग एसटीपी करना आता है? वेरी गुड, बहुत लोगों को आता है। कितना लोग है जो लोग को नहीं आता है? जो उसको भी नहीं आता, कोई शर्म का बात नहीं है, नहीं आता है तो आप लोग सीख लो। और आप बोलोगे जैसे मैडम है, आप बोलोगे मैं कैसे करूंगा,
आपको एसटीपी में बहुत ज्यादा हिसाब नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंटली बोलना है ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैं ये करता हूँ, तुम ये करो। क्या समझाना क्या है, काम क्या है, यही पूछते है ना। काम क्या है, मेरा क्रियाकाल काम है क्या है, हा? कि चीज को लो, हा? खुद को अच्छा लगे, दूसरों को अच्छा लगे, बोलो यही तो। हल्का सा इंपैक्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ऐसा नहीं है कि सब आदमी एक्सपर्ट हो जाओगे। प्लान्स हो, हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा जो प्लान्स करते हैं ना उसी से ज्वाइनिंग निकलता है। हम लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छा प्लान्स होगा तो उसी से ज्वाइनिंग निकलता है, एकदम गलत बात है। ज्वाइनिंग जो निकलता है वो प्लान्स कितना अच्छा हुआ खराब हुआ उसमें डिपेंड नहीं। साल बाद अभी भी हमको लगता है थोड़ा कुछ कुछ अभी भी कमी है, मेरे को समझ में, तो आप लोग का समझ में तो कमी रहेगा सही ना। तो समझते रहना पड़ेगा, वो चलेगा, मगर ये मशीन चलाना सीखना जरूरी है, ये सुन लो। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्या कर रहा है, आपको मौका दे रहा है कि अपना लेवल को, अपना पोजीशन को जंप कर दिया सही ना। हाँ, मशीन में एसटीपी होने का बाद क्या होता है, उसका पैकेजिंग होता है ना। कोई भी माल रेडी होने का बाद उसको पॉलिशिंग करके पैकेजिंग करके तब ना मार्केट में छोड़ेंगे। तो ये क्या है, फॉलोअप, क्या है फॉलोअप, ये पैकेजिंग करना होता है, फॉलोअप करना होता है सही ना। तो हम लोग अगर एसटीपी सीखेंगे साथ ही साथ में क्या काम करना होगा, देखो लेबर का बाद उसको क्या लाया जाता है, चलो तुम्हारा लेबर का इधर से काम, तो पैकेजिंग का काम सीख लो। आदमी का मैं इसीलिए बोलता हूँ, इन्वाइटेशन का बाद एसटीपी से भी पहले फॉलोअप सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, फॉलोअप। फॉलोअप मतलब क्या है, फॉलोअप में दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है फॉलोअप में सब कुछ समझाना और एक पार्ट होता है फॉलोअप में बिलीव देना। एक बंदा करके सब कुछ समझा के आया, ये मजमल में ये फायदा है, वो फायदा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, सब कुछ करके आया, फिर भी डिग्री नहीं निकल रहा है। और एक बंदा क्या बोला, अरे भाई तू कर, मैं कर रहा हूँ, तू कर, मैं भी करोड़पति बनूंगा, तू भी बनेगा, झटपट ज्वाइन कर, नहीं है फॉलोअप में करना क्या पड़ता है, एक ही चीज बोलना पड़ता है, मैं हूं ना। क्या बोलना पड़ता है, मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं, तू कर, ये भरोसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, भरोसा। टेक्निकल पार्ट बाद में आएगा, भरोसा नहीं देके हजार टेक्निकल पार्ट बोल दो काम नहीं होगा। अब भरोसा दोगे तो ज्वाइनिंग होगा, अब प्रोडक्ट भी मूव करना चाहोगे, अब भरोसा दोगे तो प्रोडक्ट मूवमेंट होगा सही ना। बहुत जगह पे क्या होता है, हम लोग बहुत सारे नोनी में ये फायदा है, वो फायदा है, अमला में ये फायदा है, वो फायदा है, समझाया।